रक्षाबंधन के त्योहार में स्वास्थ्य को लेकर जागरूक लोगों के पास अब हर्बल मिठाई का भी विकल्प है। रांची के राजू कुमार चौधरी और उनकी पत्नी बिंदु देवी हर्बल मिठाई बनाने का काम करती हैं। बिंदु देवी बताती हैं कि उनके द्वारा बनाई गई मिठाई में औषधीय गुणों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वह नारियल का लड्डू, सौंठ का लड्डू, मेथी का लड्डू और आंवला का लड्डू बनाती हैं, जिनमें हल्दी, शिलाजीत, अजवाइन और अदरक जैसे औषधीय गुणों वाले सामग्रियों का मिश्रण रहता है, जो शरीर के इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करता है। और इस जो भी है मेरे मिठाई, वो जैसे आज डॉक्टर बोल रहे हैं कि आंवला खाइए, नींबू खाइए, तो आंवला खाइए, तो आंवला मिठाई के माध्यम से भी मिल जाता है। इस दंपत्ति द्वारा तैयार मिठाई रांची के विभिन्न होटलों और दुकानों के साथ साथ पड़ोसी राज्य बिहार के कई जिलों में भी सप्लाई होती है। गेहूं का आटा है, मक्के का आटा है, मोटे अनाज से बनाती हूँ। हल्दी भी शरीर को रोग रोधक क्षमता से बचाता है, तीसी बचाता है। अक्सर कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ कुछ नजारा बदला ही दिखता है। पत्नी बिंदु देवी को इस मुकाम तक पहुँचाने में पति राजू कुमार चौधरी का बड़ा योगदान रहा है। उनका कहना है कि घर में मिठाई निर्माण के काम को बिंदु देवी देखती हैं, जबकि निर्माण सामग्रियों की खरीद से लेकर मिठाई बनने के बाद मार्केटिंग की सारी प्रक्रिया वे देखते हैं। कोरोना काल में खुद को स्वस्थ रखने के लिए आजकल लोग न जाने कैसे कैसे उत्पाद आजमा रहे हैं। ऐसे में इस त्योहारी मौसम में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हर्बल मिठाई को भी जरूर आजमाया जा सकता है। रांची से कर्मवीर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट।